हर आदमी जब तक के जय श्री राम और वंदे मातरम नहीं बोलेगा तब तक के हम समझेंगे नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र है करके। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आपको तकलीफ क्या है वंदे मातरम बोलने में, जय श्री राम बोलने में? हमको अगर कोई बोलेगा अस्सलाम वालेकुम तो बोलेंगे वालेकुम सलाम, हम बोलेंगे वाहेगुरु का खालसा तो बोलेंगे हम वाहेगुरु का खालसा। हमें कोई इतराज नहीं है, हमको क्रिश्चियन से कोई इतराज नहीं है, मुस्लिम से कोई इतराज नहीं है, तो उनको हिंदू से क्यों तकलीफ है भी? हाँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गुरुदेव जी जब कथा सुनते हैं तो हमारे बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और गुरुदेव जी के जो जो वाक्य हमारे कान पे आते हैं तो उनसे बहुत सी बातें हमको सीखने मिलती है। जब हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के तरीके से ही रहना पड़ेगा आपको, और नहीं भी है तो हम उनको जो अगर हमारे देश से बाहर जाना चाहते हैं तो उसको टिकट के पैसे हम दे देंगे। अच्छा, जय श्री राम। क्या नाम? मेरा नाम लक्ष्मण पोटे, मैं नागपुर में रहता हूँ। हिंदुस्तान का नागपुर एक 0 माइल सेंटर है जी। और अच्छा एक बात बताइए, आपकी ये जो बागेश्वर धाम सरकार की जो कथा हो रही है नागपुर में, यहाँ क्यों आए हैं अपनी गाड़ी लेके जिसमें स्टिकर लगे हुए हैं भारत बने जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र, मुझे चाहिए हिंदू राष्ट्र? बागेश्वर महाराज आज जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, और रामायण राष्ट्रीय ग्रंथ होए इस चीज़ के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की जनता सोई हुई जनता है, तो मैंने अपने गाड़ी पे जो हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है तो लोगों में एक जागरूकता है, इस हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं कंटिन्यू यहाँ पे आते रहता हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र संविधान पूर्वक होए, लोकसभा सांसद राज्यसभा सांसद जितने भी सांसद हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ये हमको हिंदू राष्ट्र संविधान दे। लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, हर आदमी जब तक के जय श्री राम और वंदे मातरम नहीं बोलेगा तब तक के हम समझेंगे नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र है करके। हिंदू राष्ट्र हमें संविधान पूर्वक चाहिए, और मेरी इस गाड़ी से के उद्देश्य से मांगनी है कि जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने और रामायण राष्ट्रीय ग्रंथ बने, ये भी हमारी मांगनी है। और हमारे गुरुजी बागेश्वर गुरुजी ने भी ये विषय नागपुर में भरी सभा में बोला हुआ है, और हम राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण को और गीता को ये मानने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक बात बताइए लक्ष्मण जी, अभी जो राष्ट्र है सेकुलर है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? सभी धर्मों का आदर हो रहा है, क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र आपको? सभी धर्मों का आदर हो रहा है अपनी जगह पे, हाँ। पर वर्ल्ड के अंदर में हाँ। मुस्लिम कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, हिंदुस्तान 140 करोड़ संख्या का देश है, 85-90 करोड़ यहाँ हिंदू रहते हैं। वर्ल्ड के अंदर में एक ऐसी कंट्री नहीं है कि जो हिंदू राष्ट्र कहलाए, तो 90 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या बहुसंख्यक हिंदू होने के बाद में भी हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसलिए 90 करोड़ संख्या होने के बाद में हमारी एक चाहत है कि हिंदू राष्ट्र बने और हर आदमी जय श्री राम बोले, और यहाँ पे संस्कृत को प्रथम शिक्षा मानी जाए, ये हमारा उद्देश्य है। जब मानेंगे हम कि ये हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके अनुसार? हिंदू राष्ट्र में सबसे पहले हमारा संस्कृत जो है वो सबसे सामने आना चाहिए, और हर आदमी को हिंदुस्तान के अंदर में जो आदमी हिंदू बनकर हिंदुस्तान के हित में बनकर हिंदू बनकर हिंदुस्तान में रहना चाहे तो वो होना चाहिए। और जिसको अगर नहीं लगता सेकुलर जो शब्द है ये पहले नहीं था, ये डाला गया किसी व्यक्ति ने, किसी नेता ने, किसी लीडर ने अपने फायदे के लिए डाला गया है, ये सेकुलर शब्द नहीं था। और हमको कट्टर हिंदू चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं इसलिए हमको हिंदू राष्ट्र की जरूरत है, हिंदू राष्ट्र की इसीलिए जरूरत जी। और क्या प्रकल्प चलाते हैं आप? एक तो हिंदू राष्ट्र की आपकी मांग है। मैं लौजियात में काम करते हैं हम लोग, तो महाराज जी ने भी बोला है कि लौजियात नहीं होना चाहिए, और धर्मांतरण में काम करते हैं। धर्मांतरण, हाँ, ये हम लोग छोटे। क्या मतलब है, क्या मतलब होता है लौजियात का? लौजियात में ऐसा है कि हिंदुओं की बेटी को टारगेट कर जानबूझकर फुसलाकर तांत्रिक विधि से लड़कियों को कैप्चर कर अपनी घर की हिंदू की बेटियों को मुसलमान जबरदस्ती अपने अपने तरीके से वो अपनाता है,
और वो जो 20 साल 25 साल जो लड़की के माँ बाप उसको पालते हैं, और वो कुछ समय ऐसा आता है कि वो लड़की माँ बाप को भूल जाती है और मुस्लिम के साथ में जाकर, मुस्लिम का एक षड्यंत्र है कि हिंदुओं को लड़की को बहला फुसला कर उन्होंने अपने टारगेट में पाना, यही लव जिहाद है इस तरीके का। इसके खिलाफ भी हम कट्टर काम करते हैं और काफी लड़कियों को हमने वापस भी लाने के प्रयत्न किए और लाया भी है। और क्या गुरुजी से कथा वगैरह सुनी आपने यहाँ पे? हाँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। गुरुजी जी जब कथा सुनते हैं तो हमारे बॉडी में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और गुरुजी जी के जो जो वाक्य हमारे कान पे आते हैं, हाँ। तो उनसे बहुत सी बातें हमको सीखने मिलती है। हाँ। और हम गुरुजी के, इसके पहले भी गुरुजी उमरेड आए थे, हाँ। तो हम वहाँ पे भी गए थे, हाँ। और वहाँ पे भी हमने 2-3 घंटे गुरुजी का प्रवचन जो शब्द सुने, हाँ। तो उनसे भी हमको कई अच्छी अच्छी प्रेरणा मिलती है। और हम गुरुजी से गुरुजी का जो संकल्प है एक हिंदू राष्ट्र का, और राम जी की जो मतलब रामायण राष्ट्रीय गण की, उसका हम समर्थन करते हैं। अच्छा, गुरुजी ने अभी कथा में कल ये भी बोला कि अगर जो हिंदू राष्ट्र मतलब जो भी जय श्री राम को नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते तो वो राम के नहीं है, मतलब बिल्कुल सही बात है। हाँ। हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या लगता है कि कब तक बन जाएगा? मुझे तो लगता है कल बन जाना चाहिए। हाँ, नहीं, जिस तरीके से आप रुझान देखते हैं, सेंटर में भी हैं राम के काम करने वाले लोग, और आज भी मतलब स्टेट में भी है, तो आपको कब तक लगता है कि कब तक? हमको ये भी नहीं लगता था कि कभी राम मंदिर बनेगा करके। हाँ। तो हमको राम मंदिर बनता हुआ दिख गया, और हो सकता है कि पब्लिक के लिए इसी साल चालू भी हो जाएगा। हाँ। तो हमको यही लगता है कि 2023 हमको देखेंगे ही नहीं, 2023 में हम राम हिंदू राष्ट्र ही देखेंगे। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था लेकिन फिर वो सेकुलर हो गया। अब क्या है, हमारे ही आजू बाजू में सेकुलर लोग हैं जो हमारे को कन्फ्यूजन करते हैं, हमारे को हिंदुस्तान में बोलते हैं, ये हिंदुस्तान तो हिंदू राष्ट्र है। मगर जब तक के हर इंसान जय श्री राम नहीं बोलेगा तब तक के हिंदू राष्ट्र हो ही नहीं सकता। अरे यहाँ पे वंदे मातरम बोलने के लिए शर्म आती है लोगों को, क्यों बोलेंगे? अरे क्यों बोलेंगे भी, जब हिंदुस्तान में हो तो बोलना पड़ेगा। आपको तकलीफ क्या है वंदे मातरम बोलने में, जय श्री राम बोलने में? हमको अगर कोई बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम तो बोलेंगे वालेकुम सलाम, हम बोलेंगे वाहेगुरु का खालसा तो बोलेंगे हम वाहेगुरु का खालसा, हमें कोई इतराज नहीं है, हमको क्रिश्चियन से कोई इतराज नहीं है, मुस्लिम से कोई इतराज नहीं है, तो उनको हिंदू से क्यों तकलीफ है भी? जब हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के तरीके से ही रहना पड़ेगा आपको, और नहीं भी है तो हम उनको जो अगर हमारे देश से बाहर जाना चाहते हैं तो उसको टिकट के पैसे हम दे देंगे। अच्छा, जय श्री राम। कहाँ लेके गए हैं आप ये? ये तो मैं ये मेरी जो गाड़ी है ये नागपुर शहर में मैं पूरी घुमाता हूँ। अच्छा। और मेरी जो सोए हुए हिंदू है, हाँ। वो गाड़ी को देखकर कहीं ना कहीं उनको कल्पना आती है कि नहीं यार पोटी जी ने लिखा है तो हमने भी अपने गाड़ी पे एक स्टिकर चिपकाना चाहिए, हाँ। ऐसी प्रेरणा, और कई लोग मुझे बोलते हैं कि भैया ऐसा करते हैं तो मुझे भी खुशी होती है, और वो बोलते हैं कि भैया नहीं भैया हम भी आपके जैसा अपने गाड़ी पे स्टिकर लगाएंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ये जब जाते हैं आप ये हिंदू राष्ट्र लेके, जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बने, इस तरह कटआउट्स लेके जाते हैं, तो कैसा जन समर्थन मिलता है आपको? बहुत उत्साहित होते हैं लोग। अच्छा। इस गाड़ी को देखकर इतने प्रफुल्लित होते हैं कि वो 2 दिन अगर खाना नहीं खाए होंगे तो उनको ऐसा हो जाता है कि आज हमने बहुत बहुत कुछ पा लिया, गाड़ी का इतने प्रफुल्लित होते हैं उन लोग। बहुत सर, कोई आपको क्रिटिसाइज करने वाला मिला अभी? नहीं, एक बार मेरे गाड़ी के सामने आ गया था वो बंदा, तो उसके सामने मैं उतर के उसको एक रैपड़ मार दिया तो वो साइड में हो गया था उसका। हाँ, हाँ, तो बस एक ही बात ऐसा हादसा हुआ था, बाकी कोई विषय नहीं। गुरुजी यहाँ पे कथा सुना रहे हैं वो मतलब ठीक है, मतलब सनातन का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो चीज से आप खुश हैं? गुरुजी जो लोगों को दे रहे हैं, हाँ। लोगों ने लेकर उसको अमल कर अपने घर में भी उसका वातावरण को उस तरीके से लाना चाहिए। गुरुजी का जो बोल रहे हैं कि हर हिंदू ने तिलक लगाना चाहिए, हर बेटी ने तिलक लगाना चाहिए, हर बेटी ने चूड़ी पहनना चाहिए, ये हिंदू राष्ट्र का ये जो सीख दे रहे हैं, हर इंसान ने, हर लेडीज ने उनके वाक्य को प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, तो आप ये प्रकल्प में लगे रहेंगे? 100% लगे रहेंगे, जब तक ये जान है जहान है तब तक हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ते रहेंगे। और आप ने तो आज इस
बागेश्वर धाम में मेरा इंटरव्यू लिया है, मगर 2023 को खत्म होने के पहले आपको याद आएगा कि किसी लक्ष्मण ने बोला था कि भैया 2023 के पहले ही इंदौर आउट हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा। जय 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 जय।